प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक अबोध बालक श्यामू की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। आइए हम कहानी के पात्रों से मिले। ये है श्यामू, ये है घर की दासी सुखिया, ये है श्यामू के पिता विश्वेश्वर जिन्हें वह काका कहकर पुकारता है, और ये है सुखिया का लड़का भोला। सुबह सुबह श्यामू के घर का करुण दृश्य है। श्यामू की माँ को जमीन पर लिटाया गया है और लोग रो रहे हैं। क्या हुआ, काकी को जमीन पर क्यों लिटाया है? बेटा, तुम्हारी माँ सो रही है। उठो ना काकी। अरे, मेरी काकी को उठा के कहाँ ले जा रहे हो? वो सो रही है ना। बेटा, उन्हें मामा जी के यहाँ ले जा रहे हैं। कितने दिन हुए मामा के हाथ से काकी अभी तक वापस नहीं आई? भैया, मुझे लगता है कि काकी मामा जी के यहाँ नहीं गई हैं। मैंने सुना है कि वह ऊपर राम जी के पास गई हैं। राम जी के पास? अब वो कैसे वापस आएंगी? ये तो पता नहीं, राम जी तो ऊपर आसमान में रहते हैं। आसमान में तो पतंग उड़ सकती है, खूब ऊपर और ऊपर और ऊपर। काका, मुझे एक पतंग ला के दीजिए ना। ठीक है, ला दूंगा पतंग। मुझे अभी पतंग चाहिए। अभी क्या अभी? अभी। जिद मत कर, कहा ना ला दूंगा पतंग। काका तो पतंग ला के दे ही नहीं रहे, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। श्यामू चुपके से पिता के कोट की जेब से पैसे निकालता है। भोला, ये लो चवन्नी और एक पतंग और डोरी ले आओ। लेकिन ये पैसे आए कहां से? देख भोला, काकी को राम जी के घर से लाने का यही एक उपाय है, इसलिए मैंने काका के कोट से चुपके से चवन्नी निकाल ली। तू ये बात किसी को ना बताना। ये लो श्यामू भैया, अपनी पतंग और डोर। अब आप क्या करोगे? भोला, अगर तुम किसी से कुछ ना कहो तो एक बात कहूँ। आप चिंता मत करो भैया, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। मैं यह पतंग राम जी के यहाँ भेजूंगा, इसको पकड़कर काकी आराम से नीचे आ जाएंगी। कितना अच्छा होगा ना भोला, काकी फिर से मेरे पास आ जाएंगे। भैया, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये डोर तो बहुत कमजोर रहेगी। इसे पकड़कर काकी नीचे आएंगी तो ये बीच में ही टूट जाएगी। लेकिन भोला, मोटी रस्सी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? कौन देगा हमें पैसे? चलो, मैं कुछ करता हूँ। रात भर श्यामू चिंता के कारण सो नहीं पाता और एक बार फिर पिता की जेब से वो पैसे निकालता है। भोला, ये लो एक रुपया, एक रस्सी तो कम पड़ेगी, इसलिए इन पैसों से दो अच्छी सी रस्सियां ले आना। तब तक मैं जवाहर भैया से पतंग पर काकी का नाम लिखवा लेता हूँ। चलो भैया, पतंग में रस्सी बांध लेते हैं। बोला श्यामू, क्या तुमने हमारे कोट से रुपए निकाला है? काका, श्यामू भैया ने पतंग और रस्सी मंगाने के लिए निकाले थे। विश्वेश्वर क्रोध में आकर श्यामू की पिटाई करते हैं और उसकी पतंग फाड़ देते हैं। चोरी सीखकर जेल जाएगा, आज तुझे अच्छी तरह से बताता हूँ। और ये रस्सियाँ किसने मंगाई? श्यामू भैया ने मंगाई थी, कह रहे थे कि पतंग में रस्सी बांधकर वो राम जी के यहाँ से काकी को नीचे उतारेंगे। ईश्वर, तूने ये क्या किया? मेरे मासूम बच्चे ने अपनी माँ को बुलाने के लिए
पतंग पर लिख रखा है काकी।